So hey guys, we are back with a new drinking video और आज हम लोग जिन ट्राई करने वाले हैं। हाँ भाई, जिन सुन सुन के मेरा कान पक गया कि जिन पे वीडियो बनाओ, जिन का कॉकटेल लाओ। यार दुर्गापुर में जिन मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ लोग उतने जिन प्रेफर नहीं करते और विंटर सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो विस्की, रम ये सब ज़्यादा चलता है। तो आज मैं फाइनली योर फेवरेट, योर मोस्ट वेटेड वीडियो जिन आ चुका है। अगर मेरे चैनल पे नए हो भाई, हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं यार, लेट मत करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो आगे बढ़ाते हैं बिना लेट किए, लेट्स गो। तो भाई आज हमारे पास जो जिन है वो है ये वाला ब्लू लैगून। इट्स 160 रुपीज़, 180 ml इन वेस्ट बंगाल। ये 180 ml का है ब्लू लैगून। मुझे नहीं पता क्या इसका ऑरेंज कुछ होगा, क्या ऑरेंज लिखा हुआ है, जिन ऑरेंज। तो जिन क्योंकि स्पेशली कॉकटेल्स में यूज होता है, कॉकटेल मेकिंग में, तो शायद इसमें ऑरेंज फ्लेवर हो सकता है। मैंने कभी जिन उतना ट्राई नहीं किया है, एक्चुअली कभी ट्राई नहीं किया है बोल सकते हो। तो ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गो। सो भाई सबसे पहले हम लोग नीट ट्राई कर लेंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो सील है, तो सील ओपन करते हैं और देखते हैं। वैसे सुबह का ब्लॉग देखे, आज बहुत स्पेशल वाला एक ब्लॉग आया है सुबह, वो भी इस वीडियो के बाद देखना। ये वीडियो पहले देख लो, उसके बाद जाके वो वीडियो देखना, वो काफी बड़ा है। तो ये रहा, थोड़ा सा हम लोग ने लिया क्योंकि अभी बहुत सारे कॉकटेल्स बनाना है तो वेस्ट नहीं करते। दिस इज लाइक 30 ml, 30 ml से थोड़ा कम। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, मतलब अजीब से झटका लगा, पता है झटका जिसको कहते हैं ना, झटका, थप्पड़ मारने वाला है आपका। ट्राई करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल ऑरेंज का टेस्ट है, ऑरेंज का टेस्ट तो है ही। और उसके बाद ऑब्वियसली एक जिन मीठा है, काफी मीठा है, पता है मेरे को, क्योंकि मैं ये डिस्कस कर रहा था मेरे एक दोस्त के साथ कि भाई लोग कह रहे कि जिन के साथ वीडियो बनाओ, जिन का कॉकटेल बनाओ, जिन कैसा होता है। तो उसने कहा कि भाई जिन काफ़ी मीठा होता है, पता है जिन, कोई भी जिन उठा लो वो काफ़ी मीठा होता है, इसीलिए कॉकटेल में यूज़ किया जाता है और वो काफ़ी अच्छा मिक्सअप हो जाता है हर चीज़ों के साथ। तो अब तो वो हम लोग देखेंगे कितना मिक्सअप होता है, लेकिन यार ये काफ़ी मीठा है, मतलब इतना मीठा कोई नहीं होता। मतलब ओल्ड मॉन्ग तो भूल जाओ, कोई रम विस्की तो बिल्कुल भी नहीं, वोडका भी नहीं, वोडका भी स्वीटनेस बिल्कुल नहीं होता। हाँ वो लाइक मैं कहूँगा 50-60% बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, लेकिन स्वीटनेस में इसके सामने कुछ भी नहीं है, काफ़ी स्वीट है। इसे खत्म करते हैं और कॉकटेल शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो भाई आज हम लोग के पास है स्पेशल ऑरेंज। हाँ भाई, पेपर बोट का ऑरेंज मैंने लाया हूँ। और एक अजीब चीज़ आज हो गया, मुझे पता चला कि इसका प्राइस भी अचानक बढ़ चुका है। ये पहले 10 रुपीज़ का था, लेकिन अभी आज से ये 20 रुपीज़ का हो गया। उसका नया स्टॉक उतरा है और सब के सब 20 रुपीज़ का हो चुका है पेपर बोट। तो भाई इसको ट्राई कर लेते हैं पेपर बोट के साथ। वी हैव पेपर बोट ऑरेंज, और इसमें ऑलरेडी मतलब सॉरी पेपर बोट मैंगो, और इसमें ऑरेंज का फ्लेवर ऑलरेडी है। तो क्या पता क्या होने वाला है यार। ये थोड़ा शेक करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ओ हो यार ये काफी, यार तो हो सकता है ये जम चुका है क्योंकि काफ़ी ठंडा है, नहीं तो भाई ये कलर देखो पूरा ऑरेंज का, पूरा ऑरेंज। अजीब टेस्ट है, बताए अजीब, लिटरली अजीब। मेरे को लगता है इससे ज़्यादा स्प्राइट के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग स्प्राइट के साथ भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन ये भाई थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब दो फ्रूट एक साथ, उसके भीतर जिन है जो कि ऑब्वियसली बहुत स्वीटनेस ला रहा है, एक फ्लेवर ला रहा है, और इसमें रियल ऑरेंज है। रियल ऑरेंज मतलब ऑरेंज का जो होता है ना, वो
थिकनेस वो है, ये सिर्फ जूस नहीं है उसका थिकनेस, उसका इसमें पूरा ऑरेंज भरा पड़ा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई रातों रात 10 रुपये, मतलब लिटरली डबल हो गया, 10 रुपये का था 20 रुपये हो गया। लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा, इट्स ओके ओके। लेकिन हम लोग फाइनल ड्रिंक के लिए वेट करेंगे, फाइनल ड्रिंक ज़्यादा मस्त होगा। लेकिन चलो इसे ख़त्म करते हैं, स्प्राइट के साथ ट्राई करके देखते हैं। चीयर्स। पूरा ऑरेंज डूड, पूरा ऑरेंज जो है ना वो मुंह में ऐसे घूम रहा था, लिटरली इसमें ऑरेंज है। ऐसा नहीं कि जूस बना दिया है, नहीं उसको थिकनेस में रखा है कि इसलिए वो इतना स्लोली गिर रहा था, लिक्विड जैसा नहीं गिर रहा था। इसमें सॉलिड है एकदम, मतलब फुल सॉलिड तो नहीं है लेकिन सॉलिड है। तो स्प्राइट के साथ टेस्ट करके देख लेते हैं, लेट्स गो। तो भाई अब हम लोग स्प्राइट के साथ टेस्ट करके देख लेंगे जिन जिन ब्रो। मुझे तो लगता है ये काफी अच्छा लगने वाला है, ये काफी अच्छा लगने वाला है। लेट्स सी भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना ड्रिंकिंग वीडियोस बनाने का रोज, उसका रीज़न ये है कि लोग नहीं बना पाते। उसका दो रीज़न है, एक रीज़न पैसे, पैसा का बहुत कमी हो जाता है क्योंकि तुम देख सकते हो दिस आर रियली कॉस्टली वीडियोस, ये काफ़ी पैसा खर्च करने वाला है जिसमें ब्लॉग्स में उतना नहीं होता। सेकेंड जो है वो है कि आप एडिक्टेड बन सकते हो, रोज ऐसे पीने से अब एडिक्टेड बन जाओगे और ये भूल जाओगे कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ मस्ती के लिए, वीडियोस के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किल है लेकिन मज़ा भी आता है। तो लेट्स ट्राई विद स्प्राइट। ये मेरे को लग रहा है कमाल होने वाला है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये 20 रुपये का बोतल है स्प्राइट, तो ये ऐसे इनसेन। मेरे को पहले से पता था कि ये स्प्राइट के साथ बहुत अच्छा जाने वाला है, और स्प्राइट के साथ बिल्कुल एकदम फुल मिक्स हो चुका है स्प्राइट। क्योंकि तुम अगर कोई होटल में जा रहे हो जहाँ पे कॉकटेल बनाया जाता है, तुम देखोगे वो लोग मैक्सिमम कॉकटेल बनाता ही स्प्राइट से है। तो स्प्राइट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉकटेल मेकिंग में। तो ये तो काफी मस्त लग रहा है यार, ये सेक्सी लग रहा है सीरियसली। इसके लिए तो म्यूजिक होना चाहिए, ब्रिंग ऑन द म्यूजिक। अब हम लोग फाइनल ड्रिंक बना लेंगे, द फाइनल ड्रिंक। इसमें हम लोग वो सब कुछ ऐड करेंगे जो अभी तक ऐड करके आते, मतलब आ रहे थे। चढ़ गया क्या मेरे को? नहीं चढ़ा। तो हम लोग सब कुछ ऐड करेंगे, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगा वो है आइस। हम लोग ने आइस के साथ ट्राई नहीं किया था, तो और ऑब्वियसली मतलब सिंपल आइस के साथ ट्राई करके कोई फायदा नहीं है, बेकार वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसलिए मैंने आइस को काट दिया कि आइस जब ऐड करेंगे ये सब कुछ ऐड करेंगे, स्प्राइट जूस एंड ऑल। तो ये रहा हमारा आइस, हम लोग कुछ 4-5 आइस ले लेंगे, इतना काफी होगा। ये है हमारा ब्लू लैगून जो कि जिन, ऑरेंज जिन। इसका प्राइस तुम लोग का स्टेट या सिटी में जहां से भी तुम लोग देख रहे हो क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, लोगों को काफी हेल्प मिलता है उससे। फिर नेक्स्ट स्प्राइट, अभी तक तो कुछ ऐसा कलर है। ओहो। और लास्ट में हमारा पेपर बोट मैंगो, देख रहे हो लिटरली देख सकते हो ये लिक्विड नहीं है, ये बिल्कुल लिक्विड नहीं है। तो कुछ ऐसा कलर आया, काफी सेक्सी लग रहा है यार, काफी सेक्सी लग रहा है। तुम देख सकते हो ऑरेंज जो है इतना थिक है कि वो नीचे नीचे जा रहा है, नीचे ऐसे स्टोर हो रहा है, और स्प्राइट जो है वो ऊपर आ चुका है आइस के साथ। ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी।
ऑनेस्टली बताओ, मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब यार ठीक है, मतलब लेकिन स्प्राइट के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब सिंपली सिंपल स्प्राइट के साथ ये ज़्यादा बेटर लग रहा था, पता है। मेरे को लगा कि ये काफ़ी मस्त होने वाला है, क्योंकि देखने में तो मस्त लग रहा है, लेकिन टेस्ट में उतना कुछ खास नहीं है, टेस्ट में बिल्कुल भी कोई खास नहीं है ना। मतलब थोड़ा मिक्स करके देखते हैं, अगर ऑरेंज जो है ऊपर आ जाता है तो थोड़ा टेस्टी बन जाता है कि नहीं, तो लेट्स सी नाउ। थोड़ा तो टेस्ट में चेंज हुआ, मतलब थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ, क्योंकि यार इसको फिर अपना एक स्पून हमेशा हाथ में रहना चाहिए कि आप थोड़ा ऐसे मिक्सअप कर लो, क्योंकि ऑरेंज अगर नीचे बैठ जाएगा तो उसका उतना टेस्ट नहीं आ रहा। अब अच्छा टेस्ट आ रहा है, हाँ अब आया ना, अब लग रहा है सेक्सी यार। म्यूजिक लव, म्यूजिक म्यूजिक। भाई क्या सीन है यार, क्या सीन है बॉस। मेरे को काफी अच्छा लगता है, पता है, ड्रिंकिंग वीडियोस बनाना, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि पैसा, तो थोड़ा पैसे का शॉर्टेज जब जब पड़ जाता है, जब जब क्या अभी भी है, लेकिन आप लोग की खुशी में यार, तू लोग के लिए, तू लोग मेरा फैमिली है, ठीक है, यू आर ऑल माय फैमिली। तो अब फैमिली कुछ बोलेगा तो वो तो करना ही पड़ेगा। चीयर्स आप लोग के लिए, स्पेशली आप लोग के लिए, पूरा एक चांस में। तो भाई आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो। और सुबह जो ब्लॉग आया वो काफ़ी स्पेशल ब्लॉग है यार, मैंने फर्स्ट टाइम कोई बाहर जाके अच्छे से ब्लॉग किया है बहुत दिनों के बाद, तो वो देखना मत भूलना, वो जाके ज़रूर देखो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।